देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं रतांभरा आपके साथ। और सिवान में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां जिले के तड़वा गांव में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी सहित दो बेटियों को कुल्हाड़ी से काट डाला। वहीं इस घटना में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दोनों बेटियों को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, सिवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टाड़ावा गांव में एक दर्दनाक घटना घट गया है, जहां पति ने अपनी पत्नी और दो बेटी को जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें पत्नी का घटनास्थल पर मृत्यु हो गया है और दो बेटी उनकी जीवन और मौत से जूझ रही है, जिनका सदर अस्पताल में हम लोग प्रथम उपचार करा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह दर्दनाक घटना है, इस तरह की घटना जी। इस खबर पर हमारे संवाददाता सोमेश जुड़ चुके हैं। सोमेश, जो पति जो आरोपी है जिसने पत्नी की हत्या कर दी है, इसमें क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अब तक? जी देखिए सिप्रा, ये अपडेट जो है कि एक पति जो कि सनकी पति जिसे कहा जा सकता है, जिसने इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है, ऐसा बताया जा रहा है कि पत्नी ने पति से बिना पूछे जमीन की जो रजिस्ट्री थी उसको अपने रिश्तेदार के नाम पे कर दिया था जी। इसके बाद से सुमेश, क्या अब तक उस जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, और इस मामले पर पुलिस आगे जांच कर रही है कि कैसे जो मामला घटी है, घटना घटा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे लोग कोई बड़ी मछली है लोभ लालच में, तो इस सब मामले पे पुलिस जांच कर रही है। ये पुलिस एक एक बिंदु पे अभी जांच कर रही है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया सोमेश। तो आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।